हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में वाटर की प्रॉपर्टीज़ और उसको एलैबोरेट स्टडी किया था। आज हम आगे चलते हैं वाटर में और बात करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर की, और हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो वाटर हार्ड और सॉफ्ट होता है। रेन वाटर प्योर है, उसमें किसी तरीके की कोई आयंस या कंपाउंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जब ये रेन वाटर सॉल्ट से मिलता है तो हार्डनेस आती है, और हार्डनेस होती है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या सल्फेट्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण। यानी अगर हार्ड वाटर है तो वो होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण। तो रेन वाटर प्योर है अगर वो सॉल्ट्स रखता है अपने में। तो जो हार्ड वाटर है, हार्डनेस है वाटर की, वो होती है या तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण। अब हार्ड वाटर की क्या प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, आपने बहुत अच्छे से 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हार्ड वाटर जो है वो सोप के साथ में लेदर या फोम नहीं देता है। तो हार्ड वाटर डजंट गिव लेदर विथ सोप और इट डज नॉट गिव फोम विथ सोप्स। अब थोड़ा सा इसको, इस पॉइंट को हम एलैबोरेट करते हैं कि हार्ड वाटर सोप्स के साथ में क्या फॉर्म करता है। वो स्कम फॉर्मेशन करता है। हार्ड वाटर फॉर्म स्कम विथ सोप एंड विच इज नॉट वेरी गुड फॉर इफेक्टिव वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पजेस। तो देखें कि क्या होता है जब सोप्स को हम हार्ड वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं। नाउ व्हाट आर सोप्स, लेट्स सी। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। तो मैं सोप का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख रही हूँ। दे आर सॉल्ट, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। इसको हम बोलते हैं सोडियम स्टेरेट, वी कॉल इट एज सोडियम स्टेरेट। स्टेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड सोडियम स्टेरेट, स्टेरिक एसिड। अब ये मॉलिक्यूल है सोप का, और जब भी आप इसको हार्ड वाटर यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम कंटेंट वाटर के साथ में डालेंगे जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम 2+ आयन और कैल्शियम 2+ आयनिक फॉर्म में होता है, तो सोप, ये जो एक सोप का मॉलिक्यूल है, ये हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स के साथ में जब भी रिएक्ट करेगा तो सोडियम को रिप्लेस करेगा और खुद उसकी जगह पे लगेगा। तो क्या बनाएगा, C17H35COO twice CA और MG। तो क्यों ये CA और MG C17H35COO twice CA or twice MG होगा, क्योंकि MG और CA की वैलेंसी होती है 2 और NA की वैलेंसी होती है 1। तो twice NA पॉजिटिव यहाँ पे अलग हो जाएगा, और ये जो प्रेसिपिटेट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, इसको हम बोलते हैं स्कम। स्कम फॉर्म्ड, ये जो स्कम है ये प्रेसिपिटेट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स का, और ये प्रेसिपिटेट जो है ये जाके इफेक्टिव वॉशिंग में जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है, इफेक्टिवली क्लीन नहीं होने देता। अगर आप इसी पानी से, हार्ड वाटर से जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम है, अगर उससे आप अपने क्लोथ्स को वॉश करेंगे या हेयर वॉश करेंगे, तो वो जो है इस तरह का वाइट प्रेसिपिटेट अपने ऊपर जमा कर लेता है। तो दिस इज़ नॉट मैथड ऑफ इफेक्टिव वॉशिंग, क्योंकि स्कम फॉर्मेशन जो है वहाँ पे हो जाता है, और सोडियम को कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है स्टेरेट्स में लग जाते हैं और सोडियम को निकाल देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्कम विच इज़ नॉट गुड फॉर वॉशिंग और क्लीनिंग पर्पसेस। अब हम दूसरा देखें कि ये हार्डनेस ऑफ वाटर, अभी मैंने आपको बताया कि बाइकार्बोनेट्स के कारण है, क्लोराइड्स के कारण है और सल्फेट्स के कारण है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, इनके कारण हम हार्डनेस देखते हैं वाटर की। अब हार्डनेस कितने तरह की होती है, हार्डनेस दो तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी की पहले बात करें हम, तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम,
बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं इसके कारण, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के कारण मैग्नीशियम और कैल्शियम के टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और इसको अगर आपको रिमूव करना है, क्योंकि इफेक्टिव वॉशिंग हो नहीं रही है, कम हो रहा है, आप जब भी देखेंगे कि हार्ड वाटर को अगर आप गर्म करते हैं या बॉइल करते हैं, तो जिस भी बर्तन में आप इसको बॉइल करते हैं उसमें स्केलिंग हो जाती है। और ये बॉयलर्स या फिर आप कहें आपके जो वाटर हीटर्स हैं उसके लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि उस पर जम के ये उनको ख़राब कर देता है। तो बॉयलर्स और हीटर्स को ये ख़राब कर देता है, इसको निकालना ज़रूरी है। और टेम्परेरी हार्डनेस अभी मैंने आपको बताया कि ये बाइकार्बोनेट्स के कारण हो रही है मैग्नीशियम और कैल्शियम के, इसको रिमूव करने का दो प्रोसेस है। अब जो हार्डनेस ऑफ वाटर का रिमूवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आसानी से बनते हैं और बन भी सकते हैं। तो उसके लिए टेम्परेरी हार्डनेस को निकाल सकते हैं बाय बॉइलिंग और बाय क्लार्क्स मेथड। तो ये दो जो है प्रोसेस हैं टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, आइदर बाय बॉइलिंग और आइदर बाय क्लार्क्स मेथड। मैं आपको दोनों प्रोसेसेस बड़े अच्छे एलैबोरेटेड तरीके से डिटेल में बता देती हूँ। नाउ कम टू बॉइलिंग। फर्स्ट मेथड, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इज बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग, आपको ये पता है कि बॉइल करने पे जितना भी उसमें सॉल्ट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, वो जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। और उसके बाद आप छान के पानी को अलग कर सकते हैं, और जो पानी छान के आपने निकाला है जिसको फिल्ट्रेट हम कहते हैं, वो आपका जो है सॉफ्ट वाटर होता है। तो बॉइलिंग इज ड्यू टू टेम्परेरी हार्डनेस को निकालता है बॉइलिंग, एंड इट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब क्या करेगा बॉइलिंग, कि आपने जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको आपने इंटेंसली बॉइल किया या हीट किया, तो ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी इवॉल्व्ड। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है, छान के आप इसको निकाल सकते। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी अगर आप हीट करते हैं तो वो देखता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को आप इंटेंसली बॉइल करेंगे पानी में, अगर है ये टेम्परेरी हार्डनेस जो बढ़ाते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि इन दोनों के केएसपी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यूज जो हैं वो ज्यादा होते हैं, और इसीलिए इनका प्रेसिपिटेशन होता है, ये सॉलिबल फॉर्म में नहीं रह पाते हैं। तो जब भी आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बॉइल करेंगे पानी में, अगर वो हैं तो, इनको इंटेंसली हीट करने पे ये अपने कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, जो कि अपने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के कारण, ज्यादा होने के कारण प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और इनको छान के निकाल लिया जाता है, और वो वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर हो जाता है और इफेक्टिव फॉर वॉशिंग पर्पजेस। तो ये पहला मेथड है जो कि हम बोलते हैं बाय बॉइलिंग। नाउ द सेकेंड वन इज बाय क्लार्क्स मेथड। नाउ व्हाट इज क्लार्क्स मेथड, इज क्लार्क्स मेथड में एक कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बाइकार्बोनेट्स हैं, तो बाइकार्बोनेट्स अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं OH नेगेटिव से, तो ये जो है कार्बन कार्बोनेट आयंस और वाटर देता है। तो बाइकार्बोनेट्स अगर आप किसी एल्कली या बेस के हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो वो कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है और वाटर देता है। नाउ लेट्स सी कि ये कैसे हमको करना है। हमको जो भी हार्ड वाटर है जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स हैं, जो कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को बढ़ा रहे हैं,
इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट में लाइम ऐड करना है. व्हाट इज लाइम? लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो लाइम हमको ऐड करना है क्योंकि हमको OH नेगेटिव ऐड करना है, तो कैलकुलेटेड अमाउंट में हमको लाइम ऐड करना है. बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, वी आर एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम हियर. और ये जो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम हमने डाला है, इसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा प्लस H2O प्लस CO2 विल बी रिलीज्ड. और अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे भी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड, एंड विद दिस इफ वी गो फॉर व्हाट विल बी रिमेनिंग वाटर. तो ये क्लार्क्स मेथड है जिसमें बाइकार्बोनेट्स को OH नेगेटिव, यानी अगर आप बेसिस के साथ में अल्कलीज के साथ में रिएक्ट कर रहे हो तो वो कार्बोनेट्स और वाटर देता है. कार्बोनेट्स जो है वो प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाते हैं, या हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम का जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और इनको आप छान के अलग कर सकते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लार्क्स मेथड. सी हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. अभी हमने टेम्परेरी हार्डनेस में देखा कि जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनको हम या तो बॉइलिंग से या क्लार्क्स मेथड से कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम डाल के निकाल सकते हैं. लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो होती है, इट इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स के कारण परमानेंट हार्डनेस होती है, और इसको आप बॉइलिंग से नहीं निकाल सकते हैं. इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, तो वन बाय वन विल सी ऑल द मेथड्स, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं. पहला मेथड है बाय सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट डालने से ये हार्ड वाटर जो है, जिसमें हार्डनेस जो है परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण है, वो सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा डालने से आप इसको रिमूव कर सकते हैं. कैसे रिमूव करेंगे कि मान लीजिए ये क्लोराइड है सोडियम कैल्शियम या मैग्नीशियम का, और इसी तरीके से सल्फेट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का. अब आप इसमें सोडियम कार्बोनेट डालें, वॉशिंग सोडा डालो, तो ये क्या करेगा, ये MCO3 में कन्वर्ट होगा जो कि प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा और NaCl बनाएगा जो कि सॉलेबल होता है. ये हमको निकालना था सल्फेट्स में. तो यहाँ पे मेटल सल्फेट सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा डालने पे कार्बोनेट बनाएगा जो कि अगेन प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएगा, और सोडियम सल्फेट जो कि सॉलेबल फॉर्म में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमको ये निकालना था और ये हमने निकाल दिया. तो पहला मेथड है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा. आपको सबको पता है कि सोप तो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर को डिफरेंशिएट कर देता है, लेकिन जो है अगर आप सोडा, वॉशिंग सोडा लेते हैं या डिटर्जेंट्स लेते हैं, तो वो दोनों ही वाटर में इक्वली काम करते हैं, आइदर हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर. तो सोडियम कार्बोनेट से परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड और सल्फेट की आप निकाल सकते हो. क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स इन वाटर ड्यू टू विच इज बिकॉज ऑफ देम देयर इज परमानेंट हार्डनेस इन वाटर. उसमें आप वॉशिंग सोडा को ऐड करिए. कार्बोनेट्स के फॉर्म में ये मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएंगे और NaCl या Na2SO4 बाहर निकल जाएगा. M यहां पे कैल्शियम या मैग्नीशियम हो सकता है, तो यहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स और सल्फेट्स निकल जाते हैं. तो दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ द मैथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस. नाउ द सेकेंड इज एन इम्पॉर्टेंट मैथड, और ये जो इम्पॉर्टेंट मैथड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल से होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट. सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट. The formula of this sodium hexametaphosphate can be written as Na2, Na4, PO3, 6. This is sodium hexametaphosphate.
और अगर मैं इसको एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूं, अगर एक क्यूमुलेटिव फॉर्मूला मैं इसका लिखूं, तो ये होता है Na6P6O18, और इसको हम बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि परमानेंट हार्डनेस को पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। अब ये जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, ये बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए। सो इट फाइंड्स ग्रेट एफिनिटी फॉर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, इनके लिए ये बहुत एफिनिटी रखता है। और कैसे एफिनिटी रखता है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कैसे कंपाउंड है देखेंगे, पी ओ पी, हेयर 6P इज देयर, 1, 2 ऑक्सीजन लिंकेज इज देयर, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 और यहां अगर हम इसको देखें 1, 2, 3, 4, 5 एक और अगर हमको बनाना है, ये पी कर देते हैं, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन एंड दिस इज ऑल्सो ऑक्सीजन। और ये जो है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, यहाँ पे ओ, ओ नेगेटिव, दिस इज डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, दिस इज नोन एज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। पी सिक्स ओ इज 18 हियर, यू कैन कैलकुलेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सो दिस इज हेक्सामेटा सोडियम, मतलब सोडियम सॉल्ट के साथ में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है। इसका ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है, हार्ड वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को अपने में ले लेता है। इसकी एफिनिटी कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में ज्यादा है, सोडियम को रिलीज करके कैल्शियम और मैग्नीशियम को लेगा, और उनको लेने के बाद ये उनके साथ में जो है सॉल्युबल फॉर्म में आएगा और सॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा, और उसके कारण जो है हम बोल सकते हैं कि हार्डनेस जो है वो इस फॉर्म में कैल्शियम ये ले लेगा, इस फॉर्म में हार्डनेस। अब ये जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये Na पॉजिटिव यानी 2Na पॉजिटिव को अलग हम कर दें, इसमें से 2Na पॉजिटिव अलग कर देंगे, ये न्यूट्रल है, इसमें से 2Na पॉजिटिव अलग कर देंगे, तो ये बचेगा Na4, 2Na निकाल दिए, Na4P6O18 2 नेगेटिव, क्योंकि 2Na हमने बाहर कर दिया, 2Na पॉजिटिव। अब M के साथ में, M क्या है, M कैन बी कैल्शियम आयन और इट कैन बी अ मैग्नीशियम आयन, तो M कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स हार्ड वाटर के साथ में, जब ये एनायन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एनायन रिएक्ट करता है तो ये एफिनिटी रखता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए, उसको अपने अंदर लेके सोडियम को रिलीज करता है। क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो 2 सोडियम को रिलीज करके ये जो है इस कैल्शियम और मैग्नीशियम को सॉल्यूशन में लेके आता है, सॉल्युबल फॉर्म में इन सॉल्यूशन, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये सॉल्युबल फॉर्म में ही रह जाता है, और इससे जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जो हार्डनेस है वो वाटर की रिमूव हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड एंड वी कॉल इट एज बायोकेमिकल कॉल्ड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो इसके कारण जो है हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए कि कैल्शियम जो है ये कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट हो गया है और सॉल्युबल फॉर्म में आ गया है, इसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि परमानेंट हार्डनेस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं वो निकल गए हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया है और इसको हम बोलते हैं कैलगॉन्स प्रोसेस, इट इज़ नोन एज कैलगॉन्स प्रोसेस। और कैलगॉन मतलब कैल्शियम गॉन, क्योंकि वो एनायनिक फॉर्म में चला गया है, एक कॉम्प्लेक्स एनायन में चला गया है और वो अब हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और कैल्शियम गॉन इसका शॉर्ट फॉर्म है कैलगॉन्स प्रोसेस। अब थर्ड आते हैं, थर्ड प्रोसेस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट अगेन, इट्स जियोलाइट और परम्यूटेट प्रोसेस।
जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस. नाउ व्हाट आर जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस इज दैट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट इज नोन एज जियोलाइट और परम्यूटाइट. सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट एंड इट इज वेरी गुड आयन एक्सचेंजर. वी कॉल इट एज आयन एक्सचेंजर. और इसकी जो एफिनिटी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए वो भी ज़्यादा है. अब इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ NaZ. NaZ मतलब Na with AlSiO4 एल्यूमिनियम सिलिकेट कैन बी रिटर्न एज Z. तो NaZ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट मैं इसको अगर लिखती हूँ तो मैं NaZ के फॉर्म में इसको लिख सकती हूँ. अब ये जब NaZ हार्ड वाटर में डाला जाएगा तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स हैं उनको ये रिप्लेस करेगा किसके साथ, MZ2 प्लस 2Na. तो MZ2 जो है, M क्या है, M यहाँ पे आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स है, इनसे जो है सोडियम रिप्लेस होगा और ये जो है आयन एक्सचेंज करेगा. इसकी एफिनिटी सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए ज़्यादा है. सोडियम को निकाल देगा और जब ये सोडियम को निकाल देगा तो ये जो है हमेशा कैल्शियम और मैग्नीशियम को लेकर आयन एक्सचेंज करेगा और इससे हम परमानेंट हार्डनेस को निकाल सकते हैं. तो ये नेक्स्ट मेथड है जियोलाइट परम्यूटेट मेथड. इसमें सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का हम आयन एक्सचेंजर के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स के लिए अपनी एफिनिटी ज़्यादा रखता है और जब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स को ले लेगा तो आयन एक्सचेंज के थ्रू वो इन आयन्स को निकाल देगा या ले लेगा और यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देगा. दिस इज कॉल्ड जियोलाइट और परम्यूटेट. पर इसमें क्या होता है कि जब हम NaZ को यूज़ करते जाते हैं तो यहाँ पे सोडियम जो है पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है और दोबारा से हमको इसको बनाने के लिए जो सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है हम इसको रिचार्ज करके या फिर से हम इसको बना सकते हैं. तो हम इसको कैसे बनाएंगे, MZ2 को NaCl के साथ में आप फिर से रिएक्ट करा दीजिए, ये फिर से आपको NaZ दे देगा और MCl2 बाहर निकल जाएगा. तो आप NaCl को रिवाइव कर सकते हैं, जियोलाइट और परम्यूटेट को रिवाइव कर सकते हैं उसको NaCl के साथ में रिएक्ट करवा के अगर वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया है तो. अब आप इसमें देखिए कि NaZ जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, हमारा जियोलाइट और परम्यूटेट ये जो था वो एक्वस सॉल्यूशन में था. हार्ड वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे आयन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम. जब इसने सोडियम को रिप्लेस किया कैल्शियम और मैग्नीशियम ने, अब ये सॉलिड फॉर्म में आ गया है, निकाल सकते हैं और ये एक्वस में चला गया है. जब वापस आपको जियोलाइट और परम्यूटेट को रीजनरेट करना है तो ये जो सॉलिड है इसको NaCl एक्वस के साथ में आप ट्रीट करिए, ये जो है सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा एंड रिवाइव हो जाएगा और इसके बाद आप वापस इसको यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस बाय आयन एक्सचेंज. नाउ द नेक्स्ट मैथड इन दिस कैटेगरी इज सिंथेटिक रेजिन मैथड. सो लेट्स सी सिंथेटिक रेजिन मैथड. ये एक बहुत अच्छा मेथड है एंड इट हैज़ एन एडवांटेज ओवर द जियोलाइट और परम्यूटेट मेथड. इसका ज़्यादा एडवांटेज है. इसमें क्या होता है, रेजिन्स होते हैं एंड रेजिन्स, व्हाट द रेजिन्स आर, दे आर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद SO3H ग्रुप इन इट. लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं SO3H ग्रुप के साथ और इनको हम सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर्स भी कहते हैं. सो वी कॉल देम एज ऑल्सो सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर्स. बहुत ही इफेक्टिव मेथड है परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड सल्फेट्स कैल्शियम मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए. और सिंथेटिक रेजिन्स जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसमें लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद SO3H ग्रुप आर रेजिन्स और ये सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर्स हैं. अब इसमें हम क्या करते हैं, RSO3H जो हमारा रेजिन है इसको हम सोडियम के साथ में
रिएक्ट करवाते हैं। तो जब हम आप इसको सोडियम के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाएगा सिंथेटिक रेजिन विथ सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सोडियम के साथ में रिएक्शन करके या NaCl या Na पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करके जो है सोडियम सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर बनाएगा। और ये जो कैटायन एक्सचेंजर्स हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक्सचेंज कर लेंगे और सोडियम को बाहर कर देंगे। चलिए फिर से एक बार समझते हैं, परम्यूटेट जियोलाइट मैथड से ज़्यादा अच्छा मैथड होता है सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स के थ्रू। इनके थ्रू हम परमानेंट हार्डनेस को निकाल सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स की। और ये रेजिन्स क्या होते हैं, दे आर द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विथ SO3H ग्रुप। तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है SO3H ग्रुप के साथ में। अब ये जो कैटायन एक्सचेंजर्स हैं या ये जो रेजिन्स हैं इनको NaCl के साथ में ट्रीट करके RNA बनाया जाता है। और ये RNA जब भी हम हार्ड वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं इसको, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की हार्डनेस है, उसके साथ में अगर आप इसको ट्रीट करेंगे तो ये आयन एक्सचेंज करेगा, M को ले लेगा R और Na को रिमूव कर देगा, तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज कैटायन एक्सचेंज रेजिन मैथड विच इज़ मोर गुड। और जब भी ये रिवाइव करना हो तो वापस से R2M जो सॉलिड है, जो मैंने पिछले स्टेप में भी आपको जियोलाइट और परम्यूटाइट में बताया था, इसको आप NaCl के साथ में फिर से ट्रीट करिए एक्वस एंड इट विल बी गिविंग यू RNA एंड MCl2। बैलेंस कर लीजिएगा इक्वेशन को तो ये जो है ये रिवाइव हो जाएगा और बार बार आप इससे हार्डनेस जो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज द अनदर मैथड सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंज रेजिन। अब मैं आपको एक पूरा फ्लो चार्ट बना के बता देती हूँ कि हाउ विल रिमूव द पूरा हार्डनेस ऑफ वाटर के का आपको एक फ्लो चार्ट बना के बता देती हूँ आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, कौन कौन से मैथड्स हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरीके के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सो परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस, इट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इट इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के जो दो तरीके हैं, रिमूवल मैथड्स हम देखें तो दो मैथड्स हैं, एक है बाय बॉइलिंग जिसमें इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स निकल जाते हैं क्योंकि इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है, ये निकल जाते हैं। दूसरा है बाय क्लार्क्स मेथड, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने से हम रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं उनमें हमने देखा है कि सबसे जो पहला इसका मेथड है वो है सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करने पर, वॉशिंग सोडा, फिर दूसरा मेथड है हमारा कैलगॉन्स प्रोसेस। कैलगॉन्स में सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट को हम यूज करते हैं। फिर हमारा तीसरा जो मेथड था वो था जियोलाइट परम्यूटाइट, जिसमें हमारे पास में जो कहना चाहिए कि जियोलाइट या परम्यूटाइट हमारा एक इम्पॉर्टेंट मेथड था परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। और हमारा जो फोर्थ मेथड था वो था सिंथेटिक रेजिन मेथड।
इसमें जो है जियोलाइट और परम्यूटाइट में हमने सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को लिया था, और यहाँ पे अगर हम सिंथेटिक रेजिन मेथड की बात करें तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विथ SO3H ग्रुप हमने रेजिन के फॉर्म में, कैटायन एक्सचेंज मेथड के फॉर्म में लिए थे। तो फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ, हार्डनेस ऑफ वाटर आर ऑफ टू टाइप्स, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स नॉट गिविंग लेदर विद द सोप, नॉट इफेक्टिव वॉशिंग एंड क्लीनिंग। टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, जिसमें इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स या कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं जो कि उनके हायर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कारण है। क्लार्क्स मेथड, जिसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम डालने के बाद हम एसिड बेस रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस, जो कि क्लोराइड और सल्फेट्स के कारण है मैग्नीशियम और कैल्शियम के, उसको हम वॉशिंग सोडा ऐड करके निकाल सकते हैं। कैलगॉन्स प्रोसेस से सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाल के निकाल सकते हैं। जियोलाइट और परम्यूटेट मेथड से, जिसमें सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट डाल के हम उसको निकाल सकते हैं, या सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंज मेथड में, जिसमें लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद SO3H ग्रुप डाल के, रेजिन्स डाल के हम उसको रिमूव कर सकते हैं।